पहले खबर की बात करेंगे, जहां रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। एक दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। संगठन विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है, वहीं निगम मंडल की सूची पर भी चर्चा संभव है। सीएम बघेल नई दिल्ली से आज रात 9 बजे लौट आएंगे छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ लौट कर आएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रात 9 बजे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सुप्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये दौरा कितना खास रहने वाला है और किन किन से वो मुलाकात कर सकते हैं, इस पूरे दौरे का अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो कैसा रहने वाला है ये दौरा? इस दौरे की बात की जाए तो इससे पहले मुख्यमंत्री निवास में समन्वय समिति की बैठक हुई थी। ये बैठक करीब 5 घंटे चली है और इस बैठक में विस्तार से चर्चा की गई कि पहले निगम मंडल की सूची से पहले पार्टी के जो संगठन के खाली पद हैं उन पर पहले जो है भर्ती की जाए, उन पर कार्यकारिणी की गठन की जाए, क्योंकि ये जो कार्यकारिणी का गठन है वो 2023 के चुनाव को देखते हुए किया जाएगा। क्योंकि आपको बता दूं कि पहले जो निगम मंडल की पहली सूची आई थी उससे पार्टी के काफी कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता जो वो नाराज नजर आ रहे थे, जिसे मनाने के लिए भी कवायद जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि निगम मंडल में सीमित सीट है, इसलिए हर किसी को यहाँ पर नहीं रखा जा सकता, तो इसीलिए पहले संगठन की खाली पद जो है उसे पहले भरा जाएगा, उसके बाद ही निगम मंडल की सूची आएगी। तो संगठन के खाली पदों को भी भरने के लिए वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की गई है। उसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर है, और उन्होंने राहुल गांधी से संगठन विस्तार पर चर्चा भी की है और भी आज दिन भर कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। उसके बाद शाम 7 बजे दिल्ली से रायगढ़ लौट आएंगे और रायगढ़ के दौरे में भी जाएंगे वो और कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले संगठन विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं कि पार्टी के संगठन में किन किन नेताओं को शामिल किया जाएगा, प्रदेश और ब्लॉक स्तर पर जो सीट है उस पर किन किन लोगों का नाम रखा जाएगा। उन लोगों के नाम सामने आने के बाद ही निगम मंडल की सूची जारी होगी, क्योंकि निगम मंडल की सूची यदि पहले जारी हो सकती है तो फिर पार्टी के फिर वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा सकती है। इस वजह से पहले संगठन के सीटों को भरा जाएगा, उसके बाद ही निगम मंडलों पर चर्चा होगी। ऐसे भी कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर है तो निगम मंडलों की सूची पर भी चर्चा होगी। और इसके साथ ही पीएल पुनिया ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो लोगों ने विधानसभा में जो सीट जो उन लोगों को मिली थी जो विधानसभा में चुनाव लड़ा था उनको पहले महत्व दिया जाएगा, तो उन्हें ही पहले महत्व देने के लिए निगम मंडल में जो उनका नाम है वो भी पहले आएगा, क्योंकि हर किसी को अच्छा सुप्रिया संगठन विस्तार में जो नाम है उनको लेकर के कोई सुर्खियां तेज हुई है, कोई चर्चा तेज हुई है या कोई नाम ऐसे उभर करके जो सामने आ रहे हो? नाम तो उभर करके सामने अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे सूचना आई है कि 95% नाम फाइनल हो चुके हैं, तो अंतिम लिस्ट जो है वो राहुल गांधी से चर्चा का की जाएगी, पीएल पुनिया से चर्चा की जाएगी, उसके बाद ये नामों की सूची जारी होगी और उसके बाद फिर निगम मंडल की सूची पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से लौटेंगे, फिर उसके बाद एक और बैठक होगी, उसके बाद निगम मंडल पर एक बार फिर से चर्चा होगी। चर्चा करने के बाद नाम फाइनल किए जाएंगे और अलग मान को भेजा जाएगा, अलग मान के निर्णय के बाद ही जो सूची जारी होगी। तो तमाम तैयारियां यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। मोहन मरकाम ने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दिए हैं कि दिसंबर से पहले, मतलब आने वाले अगले साल से पहले यहाँ पर निगम मंडल की सूची जारी हो जाएगी, क्योंकि 2023 का चुनाव भी ऐसे में 2 साल हो गए हैं, निगम मंडल की सूची अटकी हुई है, पार्टी के संगठन के विस्तार में जो खाली पद है उसकी भी सूची है वो भी अटकी हुई है। तो तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जो वरिष्ठ नेता है, उनको उनमें नाराजगी है, उन्हें मनाने की कोशिश भी की जा रही है। जी सुप्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस आ रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। प्रदेश के सरप्लस धान से एथेनॉल उत्पादन के लिए केंद्र से मांगी अनुमति, वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम में उपलब्ध सरप्लस चावल से केंद्र ने दी है एथेनॉल उत्पादन की अनुमति। छत्तीसगढ़ में हर वर्ष किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है धान और राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता और भारतीय खाद्य निगम को चावल देने के पश्चात हर वर्ष बचता है 6 लाख मीट्रिक टन सरप्लस धान और राज्य के आर्थिक संसाधनों पर पड़ता है इसका अनावश्यक बोझ, जिसलिए राज्य की नई औद्योगिक नीति में
जैव ईंधन शामिल है और उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची में जैव ईंधन उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया। तो बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापना के लिए 4 निजी निवेशकों के साथ एमओयू साइन किया जाएगा और इस पत्र को और ज्यादा विस्तार से समझने के लिए लगातार हमारे साथ सुप्रिया जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, आपसे समझना चाहेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें कई सारी मांगे उन्होंने रखी हैं, कई सारे प्रदेश को लेकर विकास के जो मुद्दे की बातें हैं वो उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। कौन कौन सी वो बातें हैं जो उन्होंने अपने पत्र में जिक्र किया है? सुप्रिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है और प्रदेश के सरप्लस धान जो बच जाते हैं उसे एथेनॉल बनाने की मांग भी की है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ पर भारी मात्रा में धान की उत्पादक होती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर केंद्र सरकार उसे खरीद नहीं पाती है, जिसकी वजह से काफी सारे धान बच जाते हैं और वो व्यर्थ ना हो इस वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान से एथेनॉल उत्पादन करने की मांग भी की है, क्योंकि काफी समय से जो है धान खरीदी की जा रही है राज्य में और धान के उत्पादक यहाँ पर काफी ज्यादा होती है। किसान के धान खरीदी होने के बावजूद भी किसान के ऐसे धान बच भी जाते हैं तो उस पर उसे वेस्ट ना किया जाए, उसे किसी न किसी तरह से उपयोग में लाया जाए। इस वजह से यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि राज्य में एथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को एक और पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने कोरोना से जो जुड़े हुए वैक्सीन की जो मांग है वो भी की है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में पहले वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही जो तमाम आपातकालीन सेवा देते हैं उन्हें पहले वैक्सीन उपलब्ध किया जाए। मुख्यमंत्री ने ये उम्मीद भी की है प्रधानमंत्री मोदी से कि वो मुफ्त में छत्तीसगढ़ को वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। तो तमाम जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्र के माध्यम से शुरू से ही करते आ रहे हैं लेकिन पीएम मोदी का कोई जवाब अब तक आता नहीं है इस मामले पे। अब देखने वाली बात होगी कि मांगों को लेकर के क्या पीएम मोदी का कोई जवाब आता है, क्या पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करते हैं, क्या पीएम मोदी जो है एथेनॉल उत्पादन के लिए जो है एक बार और अनुमति देते हैं, क्योंकि अनुमति तो पहले ही मिल चुकी है लेकिन उसके बाद जो है एथेनॉल संयंत्र स्थापना हेतु 4 निजी निवेशकों के साथ एमओयू भी किया गया है तो उसे लेकर के भी जो चर्चा है वो भी की जाएगी। और इसके साथ ही पीएम मोदी की जो मतलब पीएम मोदी केंद्र के द्वारा लेकिन सुप्रिया मुझे याद है कि प्रदेश सरकार की तरफ से जीएसटी फंड को लेकर के भी केंद्र सरकार पर कई सारे आरोप अभी तक लगते आए हैं, कहे कि जीएसटी जो फंड है वो समय पर या कम केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को पहुंचा रही है, तो क्या इस पत्र में उस बात का भी जिक्र किया गया है? जी बिल्कुल, डीएसटी की मांग को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जो है हमेशा से केंद्र से मांग करते आ रहे हैं कि जो राज्य का बकाया जीएसटी है उसे दी जाए, क्योंकि केंद्र ने अब तक आधे से भी कम जीएसटी का भुगतान किया है, उसके बाद जो तमाम जो जीएसटी की राशि है उसे अब तक नहीं दी गई है। ये भी कहना है राज्य सरकार का कि किसानों को जो चौथी किस्त है धान खरीदी का जो समर्थन मूल्य है, आपको बता दो कि पिछली बार धान खरीदी यहाँ पर की गई थी उसके लिए केंद्र के तय रेट पर ही किसानों से धान खरीदी की गई थी और जो 2500 रुपए धान खरीदी का समर्थन मूल्य था उसे मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसानों को 4 किस्तों में दी जाएगी, सभी किस्तें पक चुकी है, बस आखिरी किस्त जो है चौथा किस्त किसानों को नहीं मिला है, जिसे लेकर के बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती रही है, जिसे लेकर राज्य सरकार कहती रही है कि यदि केंद्र से हमें जीएसटी की राशि मिल जाती तो हम किसानों को पहले ही चौथी किस्त का भुगतान कर देते। तो ये तमाम जो बातें हैं वो भी सामने आ रही है कि केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है, इस वजह से भी किसानों को चौथी किस्त की राशि का भुगतान नहीं हुआ है और एक बार फिर से प्रदेश में अब से 1 दिसंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और अब भी ये जो है सुविधाएं है किसानों के लिए कि केंद्र के तय रेट पर ही धान खरीदी की जाएगी। केंद्र ने 1868 रुपए प्रति क्विंटल जो है धान खरीदी का रेट तय किया है, उसके बाद जो धान खरीदी का समर्थन मूल्य है किसानों को 4 किस्तों में अलग अलग। तमाम दिन भर की जो प्रदेश में हलचल रहने वाली है इस पर हम और भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।